देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस बार एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को चेहरा बनाया है। 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल पाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन अभी से ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी भाजपा के वोट बसपा सपा और निर्दलीय के वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को महिलाओं का सम्मान करते हुए द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए। मुर्मू जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है और मध्य प्रदेश में सभी भारतीय जनता पार्टी के वोट, बसपा सपा निर्दलीय अंतरात्मा की आवाज़ सब मिल रहे हैं उनको। बहुत लंबी लीड से जीतने वाले। कांग्रेस दोनों का ही विरोध करती आई है प्रारंभ से, कभी किसी को टंचमाल कहना, कभी किसी को आइटम कहना, ये अच्छा शब्द नहीं है। और ये सम्मान में, जनजाति के सम्मान में, महिला के सम्मान